हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। मैं हूं अनुमेहा और आप देख रहे हैं स्टडी फिट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेबल टेनिस से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट मेजरमेंट्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप न कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं टेबल टेनिस के इम्पोर्टेंट मेजरमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, टेबल टेनिस में टेबल की माप के बारे में पहले बात करेंगे। तो टेबल की सतह जो होती है वो नीले हरे रंग की तथा सफ़ेद रंग की रेखा से चिन्हित होती है। टेबल की लंबाई चौड़ाई जो होता है 2.74 × 1.525 मीटर, यानी लंबाई 2.74 मीटर, टेबल की चौड़ाई 1.525 मीटर, टेबल की साइड लाइन की मोटाई 2 सेंटीमीटर, टेबल की सेंट्रल लाइन की मोटाई 3 सेंटीमीटर, टेबल की सतह यानी सरफेस जमीन से कितना ऊंचा होता है 2 फुट 6 इंच यानी 76 सेंटीमीटर। टेबल में 8 टांगे होती हैं, यानी ये पूछा जाए कि टेबल टेनिस की टेबल में कितनी टांगे होती हैं, तो 8 टांगे होती हैं। टेबल टेनिस में बीच में जो नेट होता है टेबल पे, उसकी लंबाई 6 फीट होती है यानी कि 1.83 सेंटीमीटर, और नेट की चौड़ाई 6 इंच होती है यानी 15.25 सेंटीमीटर, और नेट के दोनों तरफ जो नेट होता है दोनों तरफ 6-6 इंच बाहर निकला होता है। पूछेगा कि नेट दोनों तरफ से कितने इंच बाहर निकला होता है, तो 6-6 इंच बाहर निकला होता है। टेबल टेनिस में का बॉल, टेबल टेनिस का बॉल जो है गोल आकार की सेल्यूलॉइड या प्लास्टिक की बनी होती है। बॉल का रंग नारंगी या सफ़ेद होता है। बॉल का वजन 2.7 ग्राम होता है। बॉल का व्यास 40 mm यानी 40 मिलीमीटर होता है। टेबल टेनिस में रैकेट होता है। इस रैकेट की निश्चित आकार तय नहीं होता है। रैकेट की माप 20 सेंटीमीटर सर्कुलर में होता है। इस पर चिपकी रबर की मोटाई, इस पर चिपकी हुई रबर होती है तो उसकी मोटाई 2 mm होता है और कुल मोटाई 4 mm होता है। इस खेल में 1 या 2 खिलाड़ी ही एक टीम में रहते हैं, जैसे कि टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, लॉन टेनिस हो गया, इन सब में 1 या 2 खिलाड़ी ही होते हैं एक टीम में। टेबल टेनिस के स्कोरिंग में 5 सेट होते हैं खेल में 11 अंकों के। पहले के नियम में 21 अंकों के पॉइंट होते थे मैच में, लेकिन नए नियम के अनुसार 11 अंकों के 5 सेट होते हैं। पुरुषों के लिए 5 सेट और महिलाओं के लिए 3 सेट होता है। तो इस समय अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मैच कितने पॉइंट का होता है, तो 11 अंक सही होगा। अगर पिछले के हिसाब से पूछेगा तो 21 अंक सही होगा। निर्णायक में एक रेफरी होता है, एक अंपायर होता है, एक सहायक अंपायर होता है, एक स्ट्रोक काउंटर होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टेबल टेनिस के ग्राउंड के मेजरमेंट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। और मैं सभी गेमों के इतिहास के बारे में भी आगे वीडियो लाऊंगी। कब कौन सा गेम ओलंपिक में शामिल हुआ, कब कहां से उद्भव हुआ उसका, और उनके बहुत से संस्थाओं के बारे में जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन सबको स्टेप बाय स्टेप लाऊंगी। और जितने भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन सभी को आगे लाती रहूँगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, जिससे मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।